संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले सभी परिवारों के यहाँ शौचालय बनवाने का प्रावधान है, परंतु बड़े अफसोस की बात है, जिला मिर्जापुर के सिटी ब्लॉक के अघवार गांव में रेखा देवी सहित 300 परिवार के यहाँ शौचालय न बनने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शौचालय के लिए हम लोग हमेशा परेशान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको कहाँ ले जाएं, खुद हम कहाँ जाएं, एक घंटे के लिए समय निकालें तो हम दूर तक जा सकते हैं सड़क के पटरी पर, मगर बच्चे कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो आप कहीं प्रयास किए? प्रयास तो बहुत किए हमने, ये ऑनलाइन कराए वो भी कोई सुनाई नहीं हुआ, 100 रुपया लग गया, धीरे धीरे 6-7 महीने का दिन बीत गया। इसमें कितने लोग हैं? करीब हम लोग 300 आदमी हैं। शौचालय का बहुत कमी है यहाँ पे, एकदम ये मान लीजिए कि शौचालय बना ही नहीं है कहीं पे, और बहू बेटियों को निकलने के लिए बहुत दिक्कत होता है। बगल में जिसका खेत है वो गाली देने लगता है, झगड़ा कितनी कितनी बार हो जाता है, लोग रास्ते में कांटा रख देते हैं, रास्ते में पूरा झाड़ रख देते हैं कि इधर से कोई नहीं जाएगा, खेत में हमारी फसल नुकसान हो रही है, ऐसे कितनी बार तो मार झगड़ा भी हो गया है। सबसे बड़ी समस्या जो थी वो शौचालय की थी, कहीं पे यहाँ शौचालय नहीं थे जिससे आदमी बच्चे औरतों को जाने में परेशानी होती थी। तो उस समस्या का समाधान कैसे हुआ? शौचालय की समस्या का समाधान आपसे हुआ, फिर आपने जब औरतें से मीटिंग करी तो आप एक फिल्म लेके आई, हमको दिखाई, तो हमने फिल्म देखा तो हम कहे हाँ ये वो अच्छी चीज़ है, फिल्म देखने से सबको पता चलेगा, फिर उस फिल्म को देखा गया, फिर उसके बाद और फिर प्रयास किया गया, सबसे वीडियो ये सब से कहा गया तो फिर शौचालय पास हुआ। अब ऐसा है गांव में घर घर शौचालय है। आज इतना अच्छा हम सब गाँव में खुशहाली आई गई कि सबका शौचालय बन गया। करीब 300 आदमी हम सब रहे, 300 आदमी में 10-15 घर बाकी सब। वो लोग का शौचालय काहे नहीं बना? 15 लोगों का काहे शौचालय नहीं बना? नहीं बना, बरसात आई गया, बरसात की वजह से गड्ढा में पानी भर गया। अब जब मौसम सही हुए तभी ना बने। आप कहाँ शौच के लिए जाते हैं? अपने बाथरूम में जाए थे शौचालय में, इसलिए तो बहुत खुशी आई के आई गई कि हम सब बच्चा लड़का सबके सब अर्थवन बैठे गया, आराम हो गया, बहुत खुश है ना। हाँ, बहुत खुश। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने कैमरे के माध्यम से अपने समुदाय को संगठित करके उनकी आवाज़ को उठाती रहूँ और उनकी समस्याओं को समाधान करती रहूँ। मैं अनिता भारती, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया नॉर्थ से।